हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद एक नई मांग के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा सामने आ गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 1992 के काल सेवकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। इस बाबत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इसके साथ ही मारे गए काल सेवकों को शहीद का दर्जा देने और उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की है। लेकिन चक्रपाणी महाराज को लगता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद नहीं है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस को गलत करार दिया था। हिंदू महासभा ने की कार सेवकों से दर्ज केस वापस लेने की मांग, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों से मुकदमा हटाने की मांग, पेंशन और मरने वालों को शहीद का दर्जा मिले। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अब रोज नई मांग के साथ लोग सामने आ रहे हैं। इसी फहरिस्त में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कार सेवकों के खिलाफ दर्ज उन सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की है जो 1992 में बाबरी ध्वस्त के वक्त दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए संगठन ने 1992 या उससे पहले अयोध्या आंदोलन के दौरान मारे गए सभी राम भक्तों के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग भी की है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। यही नहीं, हिंदू महासभा ने सरकार से कार सेवकों को धार्मिक स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की अपील भी की है। संगठन ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रामलला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि वहां एक मंदिर मौजूद था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इतनी स्पष्ट बातें नहीं कही जितनी पीएम मोदी और अन्य नेताओं को भेजे पत्र में कही गई हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है। सबसे जरूरी, कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना कानून का उल्लंघन था। इस बीच राम जन्मभूमि न्यास ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। न्यास ने कहा कि आदित्यनाथ को गोरक्षा पीठ के महंत के तौर पर ट्रस्ट की अध्यक्षता करनी चाहिए, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बात करते हुए न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, राम जन्मभूमि न्यास चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ट्रस्ट की अध्यक्षता करें। गोरखपुर में प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर गोरक्षा पीठ का है और राम मंदिर आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ और अब योगी आदित्यनाथ मंदिर आंदोलन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है। साथ ही फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं 5 एकड़ जमीन देने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या विवाद पर लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।